रात एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है? मैं उसका भी जवाब दूंगा। सरकार में बैठे हुए पदों पे लोग बैठे हुए हैं, एक अधिकारी या एक नेता के पीछे कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन उपयोग में आता है सर? ये आपको, मैं आपकी बात से हम बिल्कुल, इतनी साइकिल का इस्तेमाल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पर चलता हूँ, कितना गाड़ी पर चलता हूँ और कितना पैदल चलता हूँ। सर, अन्य मंत्रियों के लिए क्या संदेश देना? मैंने आपसे क्या कहा? साइकिल वाली जो बात, मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूँ। मुझसे प्रश्न आपसे पूछा है, सर, आम आदमी साइकिल का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो व्यवसाय है सर, कहीं ना कहीं सर वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेरा ये कहा कि उस, वो मैंने बात नहीं की, महंगाई है, पर क्यों वो महंगाई पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की, माफ करना, मध्य प्रदेश, अब एक पूरी बात कह दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया जा, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज, इसकी जरूरत है। जो देश के लिए जरूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से दौर गुजरेंगे, तो हम अन्य चीजों पे भी चिंतन मनन करेंगे।